नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। शहर के बाणसागर कॉलोनी में बने शासकीय आवास देखरेख के अभाव में धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इन मकानों की हालत देखने के बाद कोई यहां रहने के लिए कई बार सोचे या तो ना रहे। बावजूद इसके इन शासकीय आवासों में सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। उनकी क्या मजबूरी है, किन परिस्थितियों में वह रह रहे हैं और क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जाती है, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है बाणसागर कॉलोनी में बने शासकीय आवास की। कहने को तो ये शासकीय आवास है लेकिन इसकी हालत बहुत ही दयनीय है। पिछले कई वर्ष पूर्व बनी ये कॉलोनी अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस जर्जर मकान में रहना इन कर्मचारियों की मजबूरी है क्योंकि इन्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि वो प्राइवेट मकान किराए से लेकर रह सके। क्या यहाँ समस्या? ये बाणसागर कॉलोनी है, यहाँ कमरा परा सब जर्जर है, रहने लायक कोई है नहीं और पानी वानी घुट पकता है, यही सब समस्या है। सीढ़ी भी नहीं है, आप लोग छज्जा लगा के यहाँ से निकलते हैं तो कितना खतरा बना रहता है आप लोग को? खतरा तो बहुत बना रहता है। किस तरह से यहाँ आप लोग आते जाते हैं, कैसे? अरे हम तो नीचे से आते हैं, रहते हैं, ये ऊपर जाते हैं, कैसे जाते हैं ऊपर? बहुत रहते हैं तो ऐसे जाते हैं, तो अब तो नीचे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, समस्या तो होती होगी? हाँ तो समस्या तो रहती है। क्या नाम है? हमारा बलराज सिंह। इन मकानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। छज्जे का सीमेंट झर चुका है और लोग सरिया में बांस बांधकर आवागमन करते हैं जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वर्षों पुरानी बनी इस कॉलोनी की वजह इस कॉलोनी की हालत यह है कि समय समय पर रखरखाव नहीं होने के कारण यह परिस्थितियां और यह हालत इस कॉलोनी की हो गई है। सरिये के बीच से बड़े ही नहीं बच्चे भी निकलते हैं। अभी 4-5 2-3 साल हो गए रह रहे हैं। हमारा कमरा अलाट हो गया है लेकिन अभी उसमें वो खाली नहीं कर रहे हैं, बोला गया है 2-3 महीने में खाली कर देंगे तो हम लोग इसको खाली कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हाँ, किस तरह से आप लोगों को परेशानी होती है? बस हो गया यही थोड़े से, क्या है कि सब बोलते हैं कि मतलब इसका मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, ये रिजेक्टेड घोषित है और बाकी कर्मचारियां हैं तो वो उनको अलाट ही नहीं हो रहा है रूम। ऊपर अब कैसे जाते हैं? ऊपर इधर पीछे से सीढ़ी है जाने के लिए। लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ वो तो अपने से व्यवस्था किए हैं, किस तरह व्यवस्था करके अपना काम चला रहे हैं। रहते होंगे तो किसी ना किसी तरह का भय रहता होगा कि किसी। हाँ ये तो रहता है, भय रहता है, पर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में रहने लायक नहीं है। थोड़ा बहुत बस ऊपर से ये सामने से देख रहा है, अंदर बाकी सही है। मेरा नाम उपेंद्र नाम है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह जर्जर आवास अचानक ढह जाए और कोई जनहानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पूरे मसले पर अधिकारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, जो जर्जर मकान है आप आई टाइप की बात कर रहे हैं, आई टाइप पे 16 क्वार्टर हैं जिसमें 8 नीचे हैं, 8 ऊपर हैं। ऊपर में लगभग लोग अब नहीं रह रहे, 1-2 कमरे जबरदस्ती को उपाय किए हैं, उसको अपन लोग उसमें उसको नोटिस दे चुके हैं कि आप खाली करिए, अपनी जिम्मेदारी से रह रहे हैं। उसमें ना हम उनका कोई किराया लेते हैं, ना कोई उसका टैक्स लेते हैं, ना पानी का लेते हैं। एक बार नल कनेक्शन भी कटा दिए थे। अब लॉकडाउन में लोग परेशान थे, कहाँ जाएँ, कहीं क्वार्टर नहीं मिल रहे थे, कहीं सब परेशानी थी क्योंकि मजबूरी में वो रह रहे हैं। अब उनसे उनको नोटिस दी जा चुकी है, 1 बार नहीं 3 बार नोटिस दी जा चुकी है मुख्यमंत्री द्वारा। वो क्वार्टर डिसमेंटल करने के लिए किया है, डिसमेंटल कर दिया है बरसात में, अभी उसको हम डिसमेंटल जेसीबी चला के डिसमेंटल करा देंगे। हाँ तो वो काफ़ी समय से वही जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने लिख के दिया है, हमने नोटिस दे दिया कि इसकी जिम्मेदार न हो, थाने को सूचित कर दिया है, उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि इसके लिए हम जिम्मेदार न होंगे। अब वो स्वयं उसमें रहे, वो 5-6 लोग रहे, बाकी ताला बंद हैं, ऐसे वो किए हुए सब लोग रहे। प्राइवेट लोग भी रहते हैं लेकिन जब जांच करने जाते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं रहते हैं। 1-2 प्राइवेट लोग हैं, उनको भी सूचित किए हैं, उनको भी थाने में सूचित किया था हमने। कभी कोई वही स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए हम सूचित कर चुके हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं, हमको पावर नहीं निकालने का। बेदखली अधिकारी SDM साहब होते हैं, उनको भी सूचित किया जा चुका।
कोई भी रह सकता नहीं है, जिसका आप अंटर होता वही रह सकता है, लेकिन यदि कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसको लिए हमको पावर नहीं है कि हम उसको उसका सामान फेंक दें कर दें, उसके लिए मात थाने में सूचना दे सकते हैं, SDM बेदखली अधिकारी होता है, SDM खुद उनको सूचना दे सकते हैं, उनको सूचना दे दी जाती है प्रॉपर।